छात्र के साथ मोदी सरकार के सारे मंत्री सारे बड़े बड़े नेता रिटायर हो जाएंगे और एक दिन ऊपर का टिकट भी कट जाएगा। अगर आपको खोजनी है चीजें तो महंगाई की वजह से उस चीजों के बारे में छिड़े खुद हो कि पता लगे महंगाई की वजह क्या हो रही है। तुम बात नहीं कर रहे बेबुनियाद की, तुम बातें करते हो, देश को बांटने का काम करते हो, नफरत का व्यापार करते हो, धर्मों में लोगों को भिड़ा करके हिंदुस्तान में रोटियां सेक रहे हो। वो दिन दूर नहीं है जब इनके अंधभक्त इनकी धोती खोलेंगे। आपको याद होगा कि श्रीलंका में जो हाल हुआ है वही हाल हमारे देश के नेताओं का भी होने वाला है। वहां मंदिर बनाई तो शिवलिंग क्यों छोड़ दिया, और अगर वो शिवलिंग है तो पूरा मुसलमानों ने उसको वहां पे अभी तक क्यों रहने दिया, और फिर अगर वहां पे वो है भी तो ये पूरा तक विवाद की जानकारी में आना चाहिए, वो संज्ञान ले कि वो फुवारा है या वो शिवलिंग। देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़बी, आप देख रहे हैं AM रज़बी। दोस्तों आपको बता दूं कि मुसलमानों को अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि अब सिख भाइयों ने मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठा दी है। मुसलमानों आप अब खाबे खरगोश में सोते रहे, अपने बिस्तरों पर सुकून की नींद सोते रहे, तुम्हारे जो सिख भाई है ना वो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घरों में आग लगे अब सिख भाई आपके जो है वो लड़ते रहेंगे, आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मस्जिदों में जो भगवा झंडे लहराए गए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो मस्जिदों पर इस वक्त में शिवलिंग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिख भाइयों ने जो है वो आवाज़ उठा ली है, आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। कब तक इस तरीके से ज़िंदगी गुजारोगे, आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक मुसलमान खाबी खरगोश में सोता रहेगा। हमारे जो काम थे वो हमारे सिख भाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिदों पर भगवा झंडे लहराए तो सिखों ने आवाज़ उठाई, मुसलमानों की मस्जिदों पर जो जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुआ, जो आग लगती हुई नज़र आ रही थी उस वक्त भी सिखों ने आवाज़ उठाई। आखिर मुसलमान कहाँ गया, लाखों करोड़ों अरबों होकर के हम जलील और रुश्वा हुए पड़े हैं, हमें कोई आता है कोई भी मार कर रास्ते में चला जाता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। आखिर कब तक मुसलमानों खाबे खरगोश में सोते रहोगे, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर शिवलिंग निकाले जा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदों पर हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं, तुम्हारी मस्जिदों को गिराने की बातें चल रही हैं, खोदने की बातें चल रही हैं, आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक इस तरीके से ज़िंदगी गुजारोगे, आखिर कब तक। सोचो तो सही, तुम्हारी इमारतों को मंदिर बनाने की बातें चल रही हैं। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, वो लोग भी ज़रा ध्यान से सुने, रामचंद्र जी और उनकी बीबी सीता माई का तरीका ये नहीं है जो ये लोग अपना चुके हैं। रामचंद्र जी का तरीका ये था कि किसी मजहब के इंसान पर जुल्म और अत्याचार नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जी और उनकी बीबी सीता माई की तालीम यही थी कि किसी पर अत्याचार वो देखना पसंद नहीं करते। लेकिन आज ये अंधभक्त लोग, ये भगवादारी लोग जो भगवा पहनकर रामचंद्र जी को बदनाम करते हुए नज़र आ रहे, रामचंद्र जी के नाम पर ये लोग निकले हैं मैदान में, लेकिन ये अंधभक्त लोग ये नहीं जानते कि रामचंद्र जी का तरीका क्या है। रामचंद्र जी ने जो तरीका दिया ये जालिम लोग उस तरीके को भूल गए, ये अंधभक्त बन गए हैं, ये भगवा पहनकर रामचंद्र जी को बदनाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों तुम्हें हक के लिए लड़ना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी तुम पर जो जुल्म हो रहा है, तुम पर जो अत्याचार हो रहा है, तभी वो रुकेगा। अगर आज तुमने अपनी आवाज़ को बुलंद ना किया तो अब गया दिन, मुसलमानों अभी शाम जिंदा है, ऐसा लगता है कि सद्दाम जिंदा है। एक इंसान के मर जाने से कुछ नहीं होता, अभी हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदा है। मुसलमानों सरों पर टोपियां रख कर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। ना बदलोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। मेरे भाइयों अपनी आवाज़ को बुलंद करो, तभी तुम पर जो जुल्म हो रहा है वो रुक पाएगा। वरना आज जो मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को जगह जगह जलील और रुश्वा किया जा रहा है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से मुसलमानों की मस्जिदों को खोदने की बातें चल रही, मुसलमानों की मस्जिदों में शिवलिंग निकाले जा रहे। मेरे भाइयों अपनी आवाज को बुलंद करो, अगर आज भी तुम खाबे खरगोश में सोते रहे हो तो मुसलमानों वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारे घरों पर भी ये काम होने वाला है। मुसलमानों ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मिलते आने वाले अपडेट के साथ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।